Here is fifth chapter vectors part 6 और पेज नंबर 15 पर जो तो ये है एक्सरसाइज नंबर 5.6 दोस्तों। तो लास्ट पीरियड के लिए हमने विथ होमवर्क 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आओ फ्रेंड्स, क्या है 9 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास। मैंने पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तुम कंपल्सरी पहले क्वेश्चन देखो दोस्तों। क्या है क्वेश्चन देखो, लाइन मेक्स एंगल्स 45° एंड 60° विथ वाई एंड जेड एक्सिस, देन यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड ऑल्सो फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अराउंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन। देख लो दोस्तों क्या है, कंपल्सरी देख लो एंगल्स, यानी कंपल्सरी क्या होगा दोस्तों, अल्फा बीटा एंड गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स। देख लो दोस्तों डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। देख लो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है, अल्फा वी डोंट नो, क्या है बीटा है हमारे पास, बीटा है हमारे पास 45° दोस्तों, एंड गामा है 60°। वी नो वेरी वेल क्या है हमारे पास, यू नो थ्योरम है ना, फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला थ्योरम, पहला थ्योरम चैप्टर के लिए फर्स्ट थ्योरम क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देन देख लो दोस्तों ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा यानी 45° दोस्तों, कॉस स्क्वायर गामा, गामा यानी 60° इक्वल टू 1। देख लो वंस अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा 45 यानी 1/√2 होल स्क्वायर, 60 यानी 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या है दोस्तों कॉस अल्फा 1 - 1/√2 का स्क्वायर राइट साइड में लो 1/2 का स्क्वायर राइट साइड में लो 1/4, तो ये है 4 एलसीएम, 4 होना नीचे 4 ऊपर 4, यहाँ पर 4 होना नीचे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई -1। क्या है दोस्तों फिर ये है क्रॉस अल्फा इक्वल क्या है दोस्तों 1/4 राइट। क्या है क्रॉस अल्फा इक्वल टू 1/4 क्रॉस स्क्वायर अल्फा यानी कॉस अल्फा के लिए प्लस माइनस दोस्तों 1/2 है। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन के लिए क्या था हमारे पास, ये है कॉस अल्फा मिले हमें, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन। देख लो दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन क्या है दोस्तों प्लस माइनस 1/2 है, प्लस माइनस 1/2 है। देन देख लो फ्रेंड्स क्या है, प्लस माइनस 1/2 देन कॉस 45, कॉस 45 के लिए 1/√2 दोस्तों, या एंगल कॉस बीटा कॉस 45 1/√2 कॉस गामा यानी 60 क्या है दोस्तों 3/2 है, कॉस गामा यानी कितना है दोस्तों कॉस गामा है, नेक्स्ट वन देख लो सॉरी ये 60° है, 60° यानी कॉस 60 यानी 1/2, तो यह है हमारे लिए डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन। देख लो दोस्तों क्या है, यू नो वेरी वेल देयरफॉर यू नीड वेक्टर अलोंग द लाइन इज, देख लो फ्रेंड्स क्या है, यू नीड वेक्टर अलोंग द लाइन यानी व्हाट, ई क्या क्या ये क्या यानी व्हाट, प्लस माइनस 1/2 आई, देन प्लस क्या है दोस्तों 1/√2 जी और प्लस क्या है 1/2 की, तो ये है दोस्तों यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन व्हिच एंगल्स आर गिवन। देख लो दोस्तों हमें क्या होना, वेक्टर ऑफ ये है हमारे लिए डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन, देन यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन हमें क्या होना, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। देख लो दोस्तों रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होना हमें, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, ये क्या है दोस्तों 1 यूनिट, देन 5 इंटू ई क्या क्या है दोस्तों देखो 4 क्या ये
फाइव इंटू क्या है प्लस माइनस वन बाय टू आर प्लस वन बाय टू जे और प्लस वन बाय टू टी। तो ये है हमारे लिए दोस्तों रिक्वायर्ड फैक्टर। देख लो ये है फाइव प्लस माइनस वन बाय टू आई प्लस वन बाय टू जे प्लस वन बाय टू। तो ये है हमारे लिए वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव यूनिट। देखो दोस्तों तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनदर क्वेश्चन नंबर 14 फॉर 3 मार्क्स के लिए सिमिलरली और एक क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन फॉर 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट हैप्पी क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे लिए बहुत यानी बहुत आई होगी है क्वेश्चन दोस्तों। देख लो तुम केयरफुली देख लो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आर मोस्ट टाइम। देख लो दोस्तों मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपके लिए। फाइंड द एंगल, तुम देख लो क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। क्या है दोस्तों देख लो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन, हुज डायरेक्शन कोसाइन। देख लो फ्रेंड्स डायरेक्शन कोसाइन LMN satisfy 5L plus M plus 3N equal to 0 and क्या है दोस्तों 5MN minus 2NL और plus 6NM equal to 0। हाँ तो देख लो carefully देख लो दोस्तों। तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 14। हाँ given क्या है दोस्तों हमारे पास गिवन इक्वेशन यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स आर रिलेटेड बाय दीज टू इक्वेशन। एंगल के लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन मिले तो फिर डायरेक्शन रेशियो होना यानी एल एम एन। अब ये दो इक्वेशन हम ये एल एम एन सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशन यानी कंपल्सरी वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन दोस्तों। फाइव एल प्लस एम प्लस क्या है दोस्तों 3N इक्वल टू 0 एंड क्या है देख लो 5MN माइनस 2NL प्लस 6NL इक्वल टू 0 है। तो ये है तुम्हारे लिए देख लो फ्रेंड्स M इक्वल टू क्या ये माइनस 5L माइनस 3 है। तो ये M के लिए देख लो फ्रेंड्स ये क्या है अगेन इसको सॉल्व करो। M है हमारे पास ये 3 बोल दो फ्रॉम सेकंड वन ये दोनों में देख लो दोस्तों क्या है ये क्या ये दोनों में से है दोनों में से यम कॉमन हो क्या बचता है यहाँ पर 5N प्लस 6L है माइनस 2NL इक्वल टू 0। यम के लिए क्या है दोस्तों यम का वैल्यू है हमारे पास यम यानी वॉट माइनस 5L माइनस 3N। क्या है अगेन देख लो फ्रेंड्स क्या है ये यल यन अगेन यहाँ पर है यल। क्या हुआ मेरे पास यम लेने के बाद यन और यल है दोस्तों 5N प्लस 6L माइनस 2NL इक्वल टू 0। सॉल्व ये माइनस है दोस्तों ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 5×5=25NL 5×6 यानी 30L स्क्वायर। नेक्स्ट पर माइनस ये कॉमन लेने के बाद प्लस 15N स्क्वायर 3×6 क्या है दोस्तों 18NL और ये प्लस 2NL माइनस कॉमन है दोस्तों ये माइनस कॉमन क्या है दोस्तों ये 30L स्क्वायर है देन ये 25 और ये कितना है दोस्तों ये 20 और ये 25 यानी व्हाट 45NL और प्लस क्या है दोस्तों 15N स्क्वायर है। तो इसमें से 15 कॉमन लो 2L स्क्वायर 3NL और प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो फ्रेंड्स क्या ये 2×1 है 2×1 2 है 2×1 2
क्या है दोस्तों, टू एल स्क्वेयर प्लस क्या ये टू एन है, हाँ क्या है इसमें से, हाँ ये टू इंटू वन के फैक्टर, टू वन जा टू है दोस्तों, टू एल स्क्वेयर प्लस टू एन एल प्लस एन एल और प्लस एन स्क्वेयर है, क्या ये टू एल कॉमन लो, एल प्लस एन यहाँ पर एन कॉमन लो, एल प्लस एन इक्वल टू जीरो, क्या ये एल प्लस एन, क्या ये टू एल प्लस एन इक्वल टू जीरो है, हाँ क्या ये एल प्लस एन इक्वल टू जीरो है, अब टू एल प्लस एन इक्वल टू जीरो है, एल इक्वल टू माइनस एन और एन टूट गया दोस्तों माइनस एन बाय टू है। तो ये है हमारे पास कंडीशन दोस्तों, यूजिंग दिस कंडीशन हमें एल एम एन मिलेगा, देख लो दोस्तों क्या ये एल एम एन, ये फर्स्ट कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन के लिए एल एम एन, देख लो फ्रेंड्स एल इक्वल टू माइनस एन, सपोज एन के लिए वन कंसिडर करो, एन का वैल्यू वन ले लो, यहां पर एल इक्वल टू माइनस वन मिलेगा, ये माइनस वन और ये वन यहां पर ले लो दोस्तों, क्या ये एल के लिए माइनस माइनस, एल के लिए दोस्तों एल का वैल्यू माइनस वन यहां पर सब्स्टिट्यूट करो माइनस माइनस प्लस फाइव और एन के लिए वन, ये माइनस वन और ये वन यहां पर ले लो दोस्तों, यहां माइनस माइनस प्लस फाइव माइनस थ्री यानी टू, ये है टू, सिमिलरली आप इसके लिए दोस्तों क्या है ये एन एन यानी हम क्या लेंगे, सपोज ये टू लेंगे, नीचे टू है ना दो यानी इवन ले लो, टू बाय टू है ना, ये एन के लिए टू ले लो, टू बाय टू यानी वॉट माइनस वन, देख लो फ्रेंड्स अगेन माइनस वन, ये माइनस माइनस क्या है प्लस, प्लस फाइव और ये थ्री टू द सिक्स माइनस सिक्स यानी माइनस क्या है दोस्तों वन है, ये माइनस माइनस प्लस फाइव और ये माइनस सिक्स, तो एल एम एन एल एम एन है ना, दीज आर ये है हमारे लिए सपोज डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन, देख एंगल के लिए फार्मूला मालूम है हमें, तो देख लो दोस्तों आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें डायरेक्शन कोसाइंस यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन, देन हमें एंगल होना दोस्तों, देख लो हम एंगल फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस देख लो फ्रेंड्स, एंगल बिटवीन द लाइंस, हाँ एंगल बिटवीन द लाइंस यानी सपोज थीटा विद एंगल, एंगल बिटवीन द लाइंस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल टू नो वेरी वेल क्या है दोस्तों, हाँ क्या है हमारे पास ए वन ए टू है, देख लो फ्रेंड्स ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, मालूम है क्या है माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू टू बाय अंडर रूट ऑफ क्या है दोस्तों फॉर्मूला ए वन स्क्वेयर बी वन स्क्वेयर सी वन स्क्वेयर है ना, वन प्लस टू का स्क्वेयर फोर प्लस वन का स्क्वेयर वन, अगेन ए सेकंड के लिए वन का स्क्वेयर वन, वन का स्क्वेयर वन टू का स्क्वेयर फोर, क्या है दोस्तों वन माइनस टू प्लस टू है ये कैंसल हो रहा, ये रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स, क्या ये वन बाय सिक्स, तो इन दिस वे थीटा इक्वल टू है ये वन बाय सिक्स यानी एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर रिलेटेड बाय द गिवन इक्वेशंस, ये है एंगल, दैट्स ऑल, इन दिस वे हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, देन नेक्स्ट यानी 15 के लिए आप, हाँ देख लो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 14, देख लो बहुत इजी क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, देन अनदर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर यू दोस्तों, अनदर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देख लो तुम्हारे लिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारे लिए, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15 फॉर पीरियड नंबर 15 दोस्तों, पीरियड प्रॉब्लम नंबर 15 है, देख लो क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन
देख लो दोस्तों, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए, देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, 1 to 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग पी 1 4 6 एंड क्यू 5 4 4 हाँ देख लो दोस्तों, ए में से परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दोस्तों देख लो आप, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वहां मित्रों का है क्वेश्चन, क्या बात है, क्वेश्चन है आईपी क्वेश्चन है ए वहां बात, सपोज ये ए है दोस्तों 1 to 1 आंतरण ए पॉइंट है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। सपोज देख लो दोस्तों हे आहे पी, मित्रांनो पहा पी म्हणजे 1 4 6 क्यू सपोज ये आहे 5 4 4 हा देन दोस्तों देख लो अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए टू पी क्यू क्या है इज परपेंडिकुलर, सपोज ये है दोस्तों परपेंडिकुलर है, देख लो ए में से लाइन पी क्यू के लिए सेगमेंट पी क्यू के लिए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, देख लो दोस्तों क्या है लेट सेगमेंट ए एम, देख लो दोस्तों क्या है सेगमेंट ए एम इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट क्या है दोस्तों पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू हाँ क्या है दोस्तों देख लो वेयर पी यानी क्या है 1 4 6 एंड क्यू यानी क्या है 5 4 4 है, पी 1 4 6 क्यू 5 4 4 एंड दोस्तों देख लो ए है 1 to 1 हाँ क्या है दोस्तों देख लो ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए टू लाइन पी टू, परपेंडिकुलर यानी यू नो वेरी वेल प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो कंपल्सरी इक्वल क्या होता है 0 है ना, ये दो सेगमेंट परपेंडिकुलर है यानी डॉट प्रोडक्ट कंपल्सरी 0, फॉर डॉट प्रोडक्ट के लिए सेगमेंट ए एम के रेशियो होना और सेगमेंट पी क्यू के रेशियो होना यू नो वेरी वेल, दोस्तों देख लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेगमेंट पी क्यू देख लो फ्रेंड्स ए वन बी वन सी वन हाँ पी क्यू के लिए देख लो डायरेक्शन रेशियो क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन, वी हैव टू पॉइंट हमारे पास दो पॉइंट है यानी डायरेक्शन रेशियो क्या है दोस्तों एक्स टू माइनस एक्स वन 5 - 1 यानी 5 - 1 देन वाई टू माइनस वाई वन दोस्तों 4 - 4 देन छठ टू माइनस थर्ड वन क्या है 4 - 6 क्या है दोस्तों देख लो 4 0 एंड माइनस ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी टू। अब क्या होना डायरेक्शन रेशियो रेशियो ऑफ ए एम होना, ए है एम है क्या एम वी डोंट नो, वी नो ओनली एम लाइज ऑन पी टू, आपल्याला एम चे कोऑर्डिनेट्स माहिती नाही मित्रांनो, एम काय आहे लाइन सेगमेंट पी क्यू वर आहे ना, एम काय आहे लाइन सेगमेंट पी क्यू वर आहे मग काय ना, एम चे कोऑर्डिनेट भेटतील आपल्याला सपोज एम डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो लैम्डा एक्स टू वन, देख लो दोस्तों क्या है ये लेट क्या है यम वहां मित्रांनो डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो वहां मित्रांनो इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा एक्स टू वन यू नो वेरी वेल म्हणजे यम एक्स टू यन सब होता है देयरफॉर यूजिंग सेक्शन फॉर्मुला मित्रांनो आठवतो सेक्शन फॉर्मुला हाँ काय असतात एम चे कोऑर्डिनेट्स मित्रांनो पहा हाँ फॉर एम आठवतं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बोलो वेरी वेल लैम्डा इंटू 5 यानी 5 लैम्डा प्लस 1 इंटू ये 1 1 बाय लैम्डा प्लस 1
आठवतो मित्रांनो एम एक्स टू प्लस एन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन लैम्डा इंटू फाइव प्लस वन इंटू वन बाय लैम्डा प्लस वन वाई के लिए लैम्डा इंटू फोर फोर लैम्डा प्लस वन इंटू फोर ये फोर बाय लैम्डा प्लस वन देन देख लो फ्रेंड्स छठ के लिए लैम्डा इंटू फोर देख लो फ्रेंड्स क्या ये फोर लैम्डा वन इंटू सिक्स यानी सिक्स बाय लैम्डा प्लस वन ये है यम यम है यम मीन्स है ना ये दिस वन और ये ऑलरेडी है तो फिर क्या है दोस्तों देख लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या है दोस्तों देख लो सेगमेंट ए यम क्या है दोस्तों ए टू बी टू सी टू देख लो क्या है ए टू बी टू और सी टू के लिए दोस्तों क्या है ये यू नो वेरी वेल एक्स टू माइनस एक्स वन डायरेक्शन रेशियो व्हाट एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है दोस्तों देख लो फाइव लैम्डा प्लस वन बाय लैम्डा प्लस वन माइनस वन है एक्स टू माइनस एक्स वन देन फोर लैम्डा प्लस फोर बाय लैम्डा प्लस वन वाई टू माइनस वाई वन हाँ मित्रांनो टू देन झड टू माइनस झड वन पहा फोर लैम्डा प्लस सिक्स बाय लैम्डा प्लस वन माइनस वन हाँ पहा मित्रांनो काय आहे हाँ यू नो व्हेरी वेल आपल्याला इथे आपल्याला डायरेक्शन रेशो घ्यायचे आहे पहा मित्रांनो आपण या डायरेक्शन रेशो काय ए एम चे घेत आहोत म्हणता पाहिजे हा देन फॉर देख लो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 15 के लिए क्या है पहा मित्रांनो काय आहे डायरेक्शन रेशो वी हैव डायरेक्शन रेशो ऑफ सेगमेंट बी टू हे डायरेक्शन रेशो ऑफ सेगमेंट ए पहा मित्रांनो काय आहे ए टू बी टू सी टू काय आहे पहा फाइव लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा आहे मित्रांनो लैम्डा इंटू वन माइनस लैम्डा फाइव लैम्डा माइनस वन लैम्डा मित्रांनो घ्या फोर लैम्डा प्लस वन हे माइनस वन प्लस वन मीन्स वॉट जीरो बाय लैम्डा प्लस वन हाँ पहा मित्रांनो टू लैम्डा फोर लैम्डा माइनस टू लैम्डा हा देन फोर माइनस टू प्लस टू बाय लैम्डा प्लस वन हा देन पहा मित्रांनो माइनस लैम्डा फोर लैम्डा माइनस लैम्डा हे क्रॉस मल्टीप्लाय करा मित्रांनो माइनस लैम्डा फोर लैम्डा माइनस लैम्डा मीन्स वॉट थ्री लैम्डा आहे प्लस सिक्स माइनस वन प्लस फाइव बाय लैम्डा प्लस वन पहा मित्रांनो काळजीपूर्वक पहा मोस्ट आणि एमपी आहे क्वेश्चन विल बी फॉर थ्री टू फोर मार्क्स हा देख लो सेन्स क्या आहे हा डायरेक्शन रेशोज ऑफ ये है हमारे लिए सेगमेंट ए एम के लिए ये है हमारे लिए सेगमेंट पी क्यू के लिए यू नो वेरी वेल क्या है दोस्तों सेगमेंट ए एम परपेंडिकुलर है सेगमेंट पी क्यू के लिए देयरफॉर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो पहा मित्रांनो ए वन काय फोर इंटू फोर लैम्डा बाय लैम्डा प्लस वन जीरो इंटू टू लैम्डा प्लस टू बाय लैम्डा प्लस वन हा देन प्लस माइनस टू इंटू थ्री लैम्डा प्लस फाइव बाय लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू हा लैम्डा प्लस वन मित्रांनो कॉमन आहे लैम्डा प्लस वन राइट साइड जीरो सिक्सटीन लैम्डा माइनस सिक्स लैम्डा माइनस टेन इक्वल टू जीरो सिक्सटीन माइनस टेन यानी टेन लैम्डा इक्वल टू टेन लैम्डा इक्वल का मित्रांनो लैम्डा इक्वल टू ये है लैम्डा का वैल्यू हमें क्या होना दोस्तों है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी यम क्या है दोस्तों ये यम है देयरफॉर क्या है दोस्तों देख लो यम हाँ लैम्डा का वैल्यू कितना है दोस्तों
वन है, हाँ ले लो वहां पर फाइव इंटू वन प्लस वन बाय वन प्लस वन देंगे, यहाँ पर वन फोर इंटू वन प्लस फोर बाय वन प्लस वन, देन लास्ट कीजिए फोर इंटू वन प्लस सिक्स बाय वन प्लस वन। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, फाइव प्लस वन सिक्स बाय टू यानी थ्री, फोर प्लस फोर एट बाय टू यानी फोर, और क्या है दोस्तों सिक्स, फोर प्लस सिक्स टेन बाय टू यानी फाइव। तो ये है हमारे लिए यम कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोस्तों यम। तो ये है हमारे लिए दोस्तों पीरियड नंबर 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 15। ये ओनली थ्योरम्स आर रिमेन, है ना, थ्योरम्स आर रिमेन, विल बी कंटिन्यू इन योर पीरियड नंबर 16। तो देखो फ्रेंड्स ये है मोस्ट आईओपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो ये है पीरियड नंबर 15।